now we are going ahead and living their life, and there are too many options here where you can play, and there is a charity worker, social cause, hope, and honor, normal, special children. आज की सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है, विद दैट वी विल हैव ऑल फन टुगेदर, दैट्स द थिंग्स, इज ऑल माय मेंबर ऑन द आर्टिस्ट होम नाउ विल लेट यू होम नाउ कंप्लीटेड अवार्ड in the long run. Thank you. Thank you very much. Anyone want to speak about the book favorite part of it? Favorite and everything, and also there is a lot of like exhibition about it. So, it's a beautiful platform for all the people to connect, first of all. Saraswati Ma is living in Gujarat. She is a beauty of talent, culture, beauty, everything, and we all are part of this. The basic cause of this creative connection is to, as we have some sort of influence over people, like being a representative charitable trust, we have been. हम लोग ये ट्रस्टी शुरू किया है 2 साल पहले, आज 3 साल पूरा हो रहा है. दिस इज़ इट्स लाइक फैमिली, मुझे सबको साथ में लेके चलना बहुत अच्छा लगता है. मैं बचपन से बहुत सारे रिलीजियस काम के साथ जुड़ी हुई, मुझे अच्छा लगता था. बट मुझे एक ही चीज़ लगता था, जो एक बड़ा कुछ लेवल पे सोसाइटी के लिए कुछ करेंगे तो पॉलिटिक्स में तो सब है ही है, बट पॉलिटिक्स में अपना फ्रीडम नहीं होता है. यहाँ पे मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं सारे फील्ड से हैं, और माई सेल्फ एक्टर प्लस रन माई ओन एंटरटेनमेंट कंपनी. मगर मुझे लगा था कुछ हेल्प के करना है, सबको एक छत के नीचे लेके आना है. साल में एक फेस्टिवल भी होगा, प्लस सारे लोग जुड़े रहेंगे तो एक दूसरे का एक सपोर्ट भी होगा. ये अननोन सिटी बॉम्बे में सब एक दूसरे शहर से आते हैं और फिर जुड़ जाते हैं. हम फैमिली के साथ जितना अटैच नहीं होता है, या फिर दोस्त कॉलेज के साथ उतना अटैच होता है. तो इस एक कॉन्सेप्ट में मैं नेपाल के टाइम पे अर्थक्वेक या उस टाइम कुछ 2-3 दोस्त लोग हम लेडी से मिल के नेपाल जाके हमने वो सोशल कॉज किया, और उसके बाद मुझे बहुत मन किया था. फिर एक दिन बैठे बैठे ऐसे ही हम लोग सोचा सरस्वती पूजा शुरू किया जाए, क्योंकि एक बहाना चाहिए सबको मिलने के लिए, और हर चीज़ में एंटरटेनमेंट कनेक्टेड होता है, फूड एवरीथिंग. फिर मुझे सरस्वती पूजा इसलिए चुना क्योंकि हम लोग इस इंडस्ट्री से हैं और उसी में देवी है सरस्वती माँ. और ये जो सरस्वती देवी है, ये कोई बंगाली पूजा कुछ नहीं है. जैसे लोग गणपति महाराष्ट्र का है, दुर्गा पूजा बंगाली का है. मेरी इंटेंशन था जी इस देवी को बॉम्बे में अवेयरनेस दें, क्योंकि इस पूजा के बारे में लोगों को जान कम है, मगर ये देवी हर घर पे है. विद्या बुद्धि ज्ञान जो कला है, सबकी देवी यही है, तो ये सबकी देवी है. सो इसी हिसाब से हमने सोच के ये सरस्वती पूजा सेलिब्रेशन शुरू किया. हम लोग पूरे साल वैशाखी मनाता है, सब टाइप की जो भी फेस्टिवल हम लोग कोशिश करते हैं कि फैमिली की तरह एक साथ छत के नीचे आए, और ये एक रियूनियन हो जाता है. प्लस हम लोग 130 ऑलमोस्ट ऑर्फेंस को हम हेल्प करते हैं. कल हमारे यहाँ पर 30-40 धारावी से ऑर्फेंस किड्स आके परफॉर्म किया है. कभी लोग आ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, या आगे बढ़े, एक फेस्टिवल बने, सब एक दूसरे को मिले, प्यार दें. प्यार की कमी है आज के डेट में, और कुछ अच्छे सोसाइटी के लिए हम लोग अच्छे गुड कॉज सोशल कॉज कर पाए सब मिलके, यही मेरी इंटेंशन है. और मैं सबको बधाई देना चाहती हूँ. मेरी टीम है जो मेरी पिलर है, जो मेरे साथ सब लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं सबको हाईलाइट, सबको आगे बढ़ाना चाहती हूँ. प्लस हमारे थ्रू में अगर कोई नए टैलेंट कुछ प्रमोट होता है, हमारे पास आके हमारे यहाँ पे स्टेज पे परफॉर्म करके, बच्चे भी परफॉर्म करते हैं 3 साल से लेके, हमारे यहाँ पे जैसे स्टार है लाइक बब्बी लहरी शान, हमारे पास वैसे वेलकम है. कोई भी टैलेंटेड बच्चा हमारे प्लेटफॉर्म में आके परफॉर्म कर सकते हैं. तो ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं. हमारे साथ जुड़े हुए ममता जी है, ज्योति जी है, मैं सबको बुलाना चाहती हूँ. चाहूँगी वो लोग भी एक दूसरे का थोड़ा भी शेयर करें, फिर
बस आगे हम लोग आपके आशीर्वाद से देखते हैं कहाँ तक पहुँच सकते हैं. थैंक यू जाके सुशील कुमार बच्चे को सब जो मोमेंट देखा था उस टाइम लगा था कुछ बड़ा करना चाहिए और हम लोग लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया. और फिर सरस्वती पूजा इसलिए चुना क्योंकि ये हमारे आर्ट की देवी है और ये ऐसी देवी है जिसकी अवेयरनेस कम है मुंबई में स्पेशली, बाकी कला और सब कुछ सबकी नजर है. तो हमने बोला क्यों ना इसकी सेलिब्रेशन के साथ बनाया जाए और अच्छा किया जाए. तो हम लोग यही कह रहे हैं कि बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी राइटर को उन्होंने कुछ हालात की वजह से ऑलमोस्ट social work, that is how we got connected. I have been running this NGO called Ulka Foundation and I am the Mumbai president for a foundation from Delhi called Shahid Bhagat Singh Seva Dal. So I love social work. Social work is my passion and that is how I and Shomuji got connected for the Saraswati Puja and with the Creative Connection Charitable Trust. And I would like to help them to in whatever way I can go out of the way for them. And that's how the foundation and Shahid
enjoy the poem, the genuinity of our Jamangshu, everything. Hey, I just, it's not like that. We are like this. No, no, like Bengali, you know, jo khane ka bahut shaukeen hai, Bengali khate wale bache, but the puja occasion, we only proper veg, proper khichuri bol, khichuri and all. She was doing an NG shot that we do celebrate after the success. After the success, amra seta ke celebrate kore nijeder party kore. That's the shopping. Ore pore party. And I hope you all enjoy. It's a wonderful location. And nowadays, you know, traditionally, whatever the beautiful things we are missing, it's a wonderful opportunity, creative connection, especially. Shomu is, you know, trying to hold those creative things through this, you know, traditional movements and all, which is missing nowadays. So it's a really wonderful occasion for us to attend. And Bhog is something very awesome. We wait for this wonderful Bhog. And we are enjoying all this. Thank you so much. Hard for this, and this is our third year celebration of Maa Saraswati, which is goddess of education and culture and art. We are very happy to be associated with her. We are all like a big joint family over here from all different walks of life. We have come from different roles, like she's a politician, somebody is a film star, somebody is a singer, some are from TV fraternity, some are from music. I'm an ex-railway employee, retired, and after my retirement I've joined them just because it's like a joint family, and we're really helping all the downtrodden people also. So it's a really big family, and I request everybody, if they can give the maximum donations to our organization, it will be great. Thank you so much.